See sum number 28 on 1440. Sum number 28. आया प्रीवियस सम आया Any doubt in that? Previous sum में कोई doubt? Okay, let's do sum number 28. Do you see goodwill in the balance sheet? Yes. 28 sum. Let's begin. Cash hai ya bank dekh lo. Cash hai. Okay. Cash diya hua hai aapko. Mila. How many are still doing the previous problem? वो भी कॉपी कर रहा है उसको बुक लेट मिला इसके लिए ऐसा सीए करेगा हो गया सीए दूसरा बैकअप प्लान ढूंढ लिया नाउ कैश में व्हाट यू राइट योर टू की बाय बोलो टू बैलेंस बीडी 250 मिला 28 sum. Hasan and Hussain are partners sharing profits in the ratio of 60-40. What is 60-40? 3:3. Okay? Okay. Cash likha hua hai. Goodwill in the balance sheet it is. Goodwill in the balance sheet it is. 2 ki baai? 2. Goodwill mein bhi balance aayega. 2 balance BD. Goodwill mein bhi balance aayega. Kitna? 12,000 आ रहा है मिला हेलो मिला लास्ट समय भी था गुडविल बैलेंस 5 फिर 4 से रेज किया तो बैलेंस शीट पे 9 हुआ दिख रहा है यहाँ पे हेलो कैश भी है गुडविल भी है गो टू कैपिटल कैपिटल के चेंज पार्टनर का दिखेगा आपको ओल्ड पार्टनर तो कितना है देखो कैपिटल ऑफ हसन एंड हुसैन आर 36 and 24,000 मिला Is this clear? 36,000 and 24,000. 36 and 24. Mila? Go to the second step. What is the second step? Reserves and losses. So check. Reserves and kya kuch? General reserve. So buy ki two. Buy general reserve. 10,000 hai. 60-40 matlab 3:2. Matlab kitna ho? 6,000 and 4,000. बस और कुछ है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक थर्ड स्टेप क्या है कैपिटल रीड करो कितना कैपिटल लाया न्यू पार्टनर हरीश चंद्र टू ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल व्हाट इज द एंट्री टू हरीश चंद्र कैश टू हरीश चंद्र कैपिटल 20,000 और हरीश चंद्र इस कैपिटल में क्या आएगा तो बाय कैश सर हरीश चंद्र अगर तू 20,000 हरीश चंद्र है हरीश चंद्र देखिए अच्छा एक मिनट हाँ बराबर ही शुड ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल बट आउट ऑफ दैट ही इज ब्रिंगिंग फर्नीचर 10 एंड कैश 10 वेरी गुड तो एंट्री क्या बनेगा फर्नीचर 10 और कैश 10 एंट्री इज कैश फर्नीचर टू कैपिटल याद है पूरा कैश में नहीं लाया 10 कैश लाया 10 फर्नीचर लाया मिला तो स्प्लिट करना है इसका स्प्लिट एंट्री बताओ कैश
कैश टू कैपिटल टेन और फर्नीचर टू कैपिटल टेन, तो कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल कितना आएगा सिर्फ टेन, कैश टू कैपिटल आएगा सिर्फ टेन, और फर्नीचर टू कैपिटल, ध्यान से देखो फर्नीचर टू, तो फर्नीचर में टू कैपिटल तो नहीं है, तो कैपिटल में क्या आएगा बाय फर्नीचर, कैपिटल में आएगा बाय फर्नीचर कितना 10, तो उसका कैपिटल तो 20 ही है, 20,000 ही लाया लेकिन पूरा कैश में नहीं लाया, 10,000 का कैश लाया, 10,000 का फर्नीचर लाया, अब कैश का तो इफेक्ट इधर आ गया, फर्नीचर का कहां है बैलेंस, फर्नीचर इधर लिख देने का बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर ब्रैकेट में लिखने का न्यू 10,000, फर्नीचर ब्रैकेट में लिखने का न्यू 10,000 अगर एंट्री नहीं आया फर्नीचर का, आया नहीं ये क्या ओके हाँ कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, फर्नीचर में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय ठीक है, तो फर्नीचर का सेकंड इफेक्ट क्या है बैलेंस शीट में, एग्जिस्टिंग कुछ फर्नीचर है होता है तो उसमें ऐड कर प्लस न्यू फर्नीचर, इधर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट, अच्छा बाय चांस फर्नीचर को रीवैल्यू करना है सपोज, तो कौन से फर्नीचर को रीवैल्यू करोगे, ओल्ड वाले को न्यू वाले को की दोनों, ओल्ड वाले न्यू वाले को करोगे कि नहीं, इस वाले को करना है रिवैल्यू, ये तो एडमिशन के बाद है, इसको कभी गलती से भी रिवैल्यू करने का नहीं, समझ में आया कैसे करना है, अच्छा समझो स्टॉक ला था तो एंट्री क्या होती, कैश टू कैपिटल और स्टॉक टू कैपिटल, स्टॉक टू कैपिटल यहाँ पे क्या आ जाता बाय स्टॉक, और स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस, न्यू स्टॉक उसको रिवैल्यू करना है कि नहीं, नया ऐसे को कभी रिवैल्यू करने का, कैपिटल बात समझ में आई सबको, सर अगर ये नहीं लाया होता बट इसके आने के जस्ट पहले ये लोग ने नया ऐसे लिया होता जस्ट पहले इसके आने के, वो भी रिवैल्यू नहीं करते तो राइट एंड अप होता है तो रिवैल्यू नहीं करते ना, वो होगा भी नहीं, देगा भी नहीं, पुराना वाला ही होता है, एग्जिस्टिंग उसी का होता है ठीक, नया वाला तो आज ही है मार्केट वैल्यू पर ही है, आज ही तो लिया करना। Now, next one, goodwill. Check, read and check and tell me which case of goodwill. Good. कौन सा केस है गुडविल, थर्ड केस अपना लेके क्या लिया नहीं, गुडविल इज वैल्यूड मिला 2 years purchase of the average profits of last 3 years मिला, तो अमाउंट दिया कि ढूंढना पड़ेगा, आता है कैसे करना है ये, अभी लिखो इयर्स और प्रॉफिट, पहले भी 2-3 बार किया हमने, इयर्स क्या है आपके लास्ट 3 इयर्स तो 1, 2, 3 प्रॉफिट्स आर 16,000 27,000 एंड 24,500 टोटल इज 67,500 गेट द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स आर 67,500 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 22,500 मिला, 22,500 इज द एवरेज, 22,500 इज द एवरेज, इज दिस क्लियर, इज गुडविल इक्वल टू 22,500, व्हाट इज माय टोटल गुडविल 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 45 मिला, 22,500 इंटू 2 45 का टोटल गुडविल आ गया, अच्छा शेयर ढूंढना है कि नहीं, सोच शेयर चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए क्योंकि कौन सा केस है थर्ड केस में टोटल ही चाहिए, और हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 3 गुडविल टू होल्ड, बट विल यू रेज गुडविल बाय फुल 45 नो, देयर इज ऑलरेडी सम गुडविल इन द बैलेंस शीट, कितना है 12, तो आप कितने से रेज करोगे 33 क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की गुडविल है, उन्हीं को राइट ऑफ करनी है, तो 12 को राइट ऑफ करो, वापस 12 से रेस करो, मतलब 45 से रेस करो, तो सेंस नहीं बनता, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 33 से रेस करेंगे, कितने से रेस करेंगे 33 से, समझा कि 33 ये अमाउंट है ना, नॉर्मली दिया होता था एक पहला दूसरा समय दिया था, पहले समय 48 का 60 था, दूसरे में 5 का 9 था, तीसरे समय 12 का 45 है, ये अमाउंट दिया हुआ था, इस समय हमने ढूंढा, is this clear? Hello.
तो 33 से रेस करने का है तो एंट्री क्या होगा? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल टू हसन कैप टू हुसैन कैप, गुडविल टू हसन कैप टू हुसैन कैप विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. व्हाट इज योर ओल्ड रेशियो? 3:2 तो करो, 33,000 को 3:2 में 19,813 to 1 इधर आएगा बाय गुडविल, बाय गुडविल 19,813 to 1 सॉर्टेड 19,813 to 1 मिला. That's your total goodwill raise. Will goodwill appear in the balance sheet? Yes. At how much? 45. कैसे हुआ 45 समझा? 12 था ऑलरेडी और 33 से रेस. ओके, 12 ओल्ड का ही था और हमने 33 एडिशनल रेस कर दिया. अभी ये पूरा 45 ये कौन राइट ऑफ करेगा फ्यूचर में? तीनों पार्टनर अपने आप उसके कैपिटल से हड़प ले, तीनों पार्टनर राइट ऑफ करें, अभी नहीं फ्यूचर. गो टू रिवैल, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 500. ऊपर कुछ था आरडीडी, तो पूरा आरडीडी क्या हो गया आपका? गेन है कि लॉस है? लॉस है. तो सेकेंड इफेक्ट आरडीडी का आ जाएगा, डेटर्स कितना है आपका 22,250 लेस आरडीडी is 500, so 21,750 आया. Closing stock valued at 7,500, तो बड़ा की घटा? घटा तो 2 की बाय 2 stock 1000 और stock 8,500 का less revalue, अब बन गया 7,500. Is that right? Correct. हेलो, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. प्लांट था 30,000, इसका 5% कितना होता है 1500, और बिल्डिंग कितने का था? बिल्डिंग था आपका 12,000, उसका 5% होता है 600. दोनों को कम करना है, तो ये प्लांट 30,000 लेस रीवैल्यूड बाय 1500, तो 28,500. गुडविल का नोट किया कॉपी? नेक्स्ट इज आपका बिल्डिंग. बिल्डिंग वॉज एक्चुअली 12 लेस रीवैल्यू बाय 600, सो ये बन गया 11,400. मिला. आगे क्या दिया? कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी कैपिटल दिया था. सच एडजस्टमेंट शुड बी डन थ्रू पार्टनर्स लोन. तो पहले तो प्रॉफिट है कि लॉस? आई थिंक इट्स अ बिग लॉस. 3600 आ रहा है. 3600 इन विच रेशियो? 3:2 करो डिवाइड. हसन एंड हुसैन, व्हाट इज द 3:2 का ब्रेकअप? थ्री टू टू 2160 1440 इज अ 2 रिवैल. 2160 1440 कैन आई डायरेक्टली बैलेंस इट आउट, फाइंड आउट विच रेशियो? चलो डू दो सब लोग न्यू रेशियो. क्या है? फाइंड आउट द न्यू रेशियो. आता है सबको? ओ आर, एस आर, एक्चुअल एस आर और एन आर. तो ये हसन, हुसैन एंड हरिश्चंद्र. एन आर क्या आ रहा है देखो? तो मतलब हर 20 में चल जाएगा.
एनआर क्या आया? 20 into 12 by 5 48 perfect 48 32 and 20 तो आज के बाद कैपिटल्स आ गए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 48 32 and 20. अब करो क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट. आई थिंक और हसन डेबिट पड़ा है ना? नहीं, क्रेडिट पड़ा है. क्रेडिट पड़ा 61,800 आ रहा है. हेलो, और इसमें भी क्रेडिट ही पड़ा है ना? 41,200 आ रहा है. हेलो, तीसरा टैली हो रहा है. मिला तो इधर क्या लिखना है? टू कैश, टू करंट की टू लोन. लोन कितना आ रहा है डिफरेंस? 11,640 बराबर है. अच्छा, टू लोन है मतलब पैसा दे दिया कि देना बाकी है. तो कहाँ अपीयर होगा ये टू लोन? लायबिलिटी बैलेंस. तो इधर लिख देने का हसन्स लोन एंड हुसैन्स, दोनों को पैसा देना बाकी. सेम ही कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं है. बहुत बारी किया ये पीसी है. टोटल 19,400. इधर अभी पार्टनर कैपिटल लिख दो. हसन कैप, हुसैन कैप एंड हरिश्चंद्र कैप. This is 48, this is 32, and this is 20. 1 lakh आ रहा है? Is that right? Cash का balance देख लो कितना आ रहा है? 10,250 आ रहा है. Is that right? Cash is 10,250. और करो matching. मैचिंग देख लो. कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, गुडविल. गुडविल आएगा कि नहीं? कितना आएगा? 45. गुडविल भी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया. ये बाजू क्रेडिटर्स आएगा. कितना है क्रेडिटर्स? और क्या आएगा? रिजर्व आएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड है. और कुछ बचा हुआ है? खत्म. 1,34,400 आ रहा है. 1,34,400 चेक. सब नंबर मन में राखी लो. नहीं काटता बार. लास्ट सम सर नहीं हमें क्या आराम से करो. किसका बात कल तक करते हो सर? आज समझ आज आटला बदला लोगों ने बच्चे नहीं थे पर आटला बदला लोगों आखिर थे मस्त ट्रांड छह समझे ट्रांड ट्रांड दर्शु मंडे ट्यूसडे मेरे तो बच्ची एक समय रही है सर कमेंट ट्यूसडे ना जल्दी छोड़ू पर से बहु बच ऑब्जेक्टिव बात ऐसे करेंगे हम यूज देखो ट्रांस ऑफ मशीन टाइम बचे थे सर सर हां बहुत मिस्टेक है आपका तो पास करो पड़ता क्या मिस्टेक हुआ मारी इसका क्या सर आई वांट टू
सम नंबर 30 कुछ से करना है लास्ट सम जिसका हो गया घूम दिखा और जाओ सम नंबर 30 कुछ से करना है मुझे देख के बताओ गुडविल बैलेंस शीट नो गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि नहीं नहीं है मिला प्लीज चलो गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है मिला गाइस गुडविल बैलेंस शीट में है कि नहीं है नहीं है और केस कौन सा कौन है रीड पॉइंट नंबर 4 शेयर ऑफ शर्मिला 30 शेयर ऑफ शर्मिला इन द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 4000 बट शर्मिला इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द अमाउंट इन कैश व्हिच केस थर्ड और फर्स्ट Why third? She is not bringing her goodwill in cash. So third case. Now my question to you. Third case में share चाहिए कि total? Total. उधर क्या दिया? Share. तो share से total ढूंढ सकते हो? हाँ. पैसा. ये note बनाओ. इधर लिखो. Share of goodwill is 4000. Share of goodwill is 4000. तो टोटल गुडविल क्या हो ये शर्मिला का शेयर दिया तो टोटल गुडविल क्या होगा पैसा मिलेगा टोटल कितना उसका शेयर देखो 1/5 है तो 1/5 का 4000 है तो ये कितना होगा 4000 × 5/1 विच इज व्हाट 20 तो आपका टोटल गुडविल कितना है 20 तो एंट्री कितने अमाउंट का मारना है 20 Which goodwill do we want? Total. Not share but total. बात समझ आई कि नहीं? Hello. अच्छा capital कैसे ला रही है देखो शर्मिला will bring 20 as capital 5000 cash 8000 furniture and 7000 stock. एंट्री कैसे करो इधर कैसे कैश और फर्नीचर था उधर क्या कैश फर्नीचर स्टॉक एंट्री क्या होगी एंट्री कैश फर्नीचर स्टॉक टू कैपिटल राइट तो कैश टू कैपिटल कितना 5 फर्नीचर टू कैपिटल